अजा एक नौजवान साढ़े नाल मौजूद है जिस वालों के डंगर रुड़ते जा रहे उन्होंने बचाया पर उस नौजवान इस कह सकते हैं कि भलाई का सिला यह मिलया कि उस नौजवान से डंगर चोरी के इल्जाम लग गए। उन्होंने हसबेंड ने साडे पतन कबीर तो पशु चोरी की। एक इन्होंने एलीगेशन लाया कि इन्हें मझां चोरी की जी, दूसरा इन्होंने लाया भी कुड़ी भजा के लिया भाजी, ये सारे बेबुनियाद आ। दरिया च वड़ के जनवरों की जान बचाई मुंडे ने। मैं क्या ठीक है भाजी, थोड़े डंगर तुम लै जाओ, ठीक है। इन्नी गल हुई, उस तो बाद पता नहीं इन्हों के दिमाग च की आया, साढ़े पिंड की सरपंचनी को गए, इन्होंने धक्के दे नाल मेरी घरवाली जी 3 महीने की प्रैगनेंट आ रात के 12 बजे लैके उन्होंने गए थाने बिना लेडीज कॉन्सटेबल तो। जो पुलिस रेड करना सी मेला पुलिस नाल सी उन्हें या नहीं है किसी? नहीं जी। इस दे व्याह दी मूवी बनाई हो, की काम करदे हो तुसी? सर मेरा स्टूडियो आ, सर गैल स्टूडियो, ते सर एदी व्याह मैनू खिंचया सर। हाँ जी। तो एक ASI मक्खन सिंह आ, उन्हें मैनू गड्डी चो बाहर कढ के भाजी मेरे 4-5 चपेड़ा मारिया, 4-5 चपेड़ा मार के फिर कहिंदा सॉरी मेरे तो गलती हो गई, मैं पीती सी। पिंड जी बीए दा इही काम सी। जेड़े भी लोग ये चोरी का इल्जाम ला रहे हैं बिल्कुल ही झूठे से बेबुनियाद आ। पंजाब इस वेले हड़ा की मार हेठ है जिथे के वक् वक् लोकां वल्लों जिहड़े के नौजवानां वल्लों वध चढ़ के इस मार दे हेठों कढ़िया जा रहा लोकां नूं। इस हड़ दे विच लोकां दे घर हड़ गए, कईआं दे पशु डंगर हड़ गए, बड़ा वड्डा नुकसान इस वेले पंजाब चल रहा है। सो जिथे समाज सेवी संस्थावां अगे आईया ने उत्थे कुछ नौजवान भी अगे आए ने। अजा एक नौजवान साढ़े नाल मौजूद है जिस वालों के डंगर रुड़ते जा रहे उन्होंने बचाया पर उस नौजवान इस कह सकते हैं कि भलाई का सिला यह मिलया कि उस नौजवान से डंगर चोरी के इल्जाम लग गए अते होर कई तरह के इल्जाम लगे ने। साढ़े नाल नौजवान मौजूद है जिला तरन तारण के पिंड गंडी पिंड का। सो उहदे नाल गलबात करांगे, वो कित्थे रहिंदा है तां की है सारा मसला। सो साडे नाल वीर मौजूद है, उन्हां नाल गलबात करदे आ। हाँ जी भाई जी, की नाम थोड़ा जी? सति श्री अकाल भाजी, मेरा नाम राजविंदर सिंह राजू है, पिंड गंडीवेंड तत्तला। अच्छा जी भीर जी, गंडीवेंड तंदल हुण रह रहे हो तुसीं गंडीवेंड, तां कित्थों दा मसला है, की है सारी कहानी, खुल के दसो जी। भाजी ये मसला सुल्तानपुर लोधी के पिंड महतमा वाल रहिंदा मैं, तो आरजी तौर पर उत्थे रहिंदा आ। तो उत्थे की हुंदा कि भाजी मैं उधर दरिया देखण गया बाऊपुर वाली साइड, उत्थे सानू दो डंगर दिखे बकायदा, साढ़े को सारिया वीडियो पईआं होईआं जिन्नियां भी ने, सारे प्रूफ साढ़े हक दे विच आ। उन्हां बंदिआं ने की कीता कि भाजी जदों मैं डंगर कढ के 5 घंटे मैं उत्थे रहा आ, ते की हुंदा आ जदों मैं लै जांदा डंगर उत्थे पट्ठा टक्का है नहीं सी, मैं पिंड भेजते उन्होंने भाजी शाम नूं आए आ, पहलां फोन कीता मैनूं कहिंदे साडे डंगर आ भाजी सानू दे दिओ। मैं कहा ठीक है भाजी, तुहाडे डंगर आ तुसीं लै जाओ, ठीक है। इन्नी गल हुई, उस तो बाद पता नहीं इन्हां दे दिमाग च की आया, साढ़े पिंड की सरपंचनी को गए, इन्होंने धक्के दे नाल मेरी घरवाली नूं जिहड़ी 3 महीने की प्रैगनेंट आ रात के 12 बजे लैके उन्हूं गए थाने बिना लेडीज़ कॉन्सटेबल तो। अच्छा भाई जी, गल कर रहे हो तुसीं तुहाडी घर दी नूं लैके गए, कौन लोग ने जिहड़े आए सी उत्थे डंगरां दा दावा करन के साडे डंगर ने, कौन सी ओ? इह भाजी पसन कदीम दे आ कुछ बंदे, सरपंच आ मेरे ख्याल, पता नहीं उत्थों दे, मैनूं नहीं पता कौन आ, ते मेरे पिंड की सरपंचनी दे कोल आउंदे आ, आ के मेरे घर जाते हैं जिते होर कोई मैंबर मौजूद नहीं, सिर्फ मेरी घरवाली सी, मेरी वाइफ सी प्रैगनेंट सी, 60-70 बंदे घर जाते हैं सरपंचनी नाल लैके, फिर 2 कॉन्सटेबल सददे आ, थानेदार सददे कबीरपुर थाने दे विचों, उत्थों आउंदे आ, आ के वो की करदे आ कि इहदे नाल चलो गल्लां बातां हुंदियां वा, उन्होंने ड्रिंक वगैरह कीती हुई सी, ठीक है, जिहड़े हिसाब नाल उन्होंने मेरे नाल गल की, मेरे फोन पर भी गल हुई, मैं सुल्तानपुर थाने भी इतलाह दी, उत्थों के ASI बलवीर सिंह ने जिन्हें नाइट ड्यूटी सी सुल्तानपुर लोधी थाने, उन्होंने इन्हों की गल भी कराई, ये फिर भी नहीं मने, ठीक है। फिर भाजी ये धक्के मेरी घरवाली ने उत्ते लै गए, जिन्ना चेहरे इतों आ गए डंगर लै गए आ बिना, इतने भी कोई पुलिस मुलाजम नहीं आया, सिर्फ इतलाह की गल कर रहे हो, तुहाडे वल्लों इतलाह दी गई थाने के ये किसी के डंगर ने, थाने के विच तुसीं इतलाह दी सी इस बारे कि किसी के डंगर मेरे को आए ने, तो जिहड़े होण लै जा सकदा जी? हाँ जी भाजी, मैं इतलाह दे के आया बकायदा, उत्थों के एक थानेदार उनका बेटा मेरे नाल सीगा, सारे जने मेरे नाल सीगे, असीं इतलाह दी आ, गलबात भी कराई आ, डंगर भी अपने वापस लै गए आ, पर इन्हां ने धक्का जिहड़ा कीता मेरी वाइफ नूं लै के गए आ, उहदी इन्हां ते मैं कार्रवाई करना चाहुंदा। फिर इन्हां ने एक वीडियो बनाई आ, ठीक है जी, ऑन कैमरा इन्हां ने मेरे ते एलीगेशन बहुत ज़्यादा लाए आ। एक इन्हां ने एलीगेशन लाया कि इन्हें मझां चोरी कीतियां जी, दूसरा इन्होंने लाया भी एक कुड़ी भजा के लिया आ। भाजी ये सारे बेबुनियाद आ, मेरे पिंड च बहुत वड्डा पिंड आ, मेरा पिंड गंडीवेंड तत्तल, किसी भी घर चो पुछ सकते हैं बूआ खड़का के, भावें मेरी एंटी पार्टी होवे, भावें मेरे अपने होण, जिहड़े आ इल्जाम आ ये बिल्कुल बेबुनियाद आ भाजी।
कुछ भी इन्हों का है नहीं। तो इस तो बाद कोई गलबात हुई हो पुलिस वालों तुहानू बुलाया हो गया होता दोवें तरह का कितने ना कि राजीनामा कराने की गल की गई हो। हाँ जी भाजी, तीसरे दिन या चौथे दिन शायद असं गए हैं, ये तीसरे चौथे दिन गए हैं तो थाने गए हैं। ये उल्टा कहते मैनू कि तू माफ़ी मंग साढ़े तो भी जी जी तू वीडियो पाई है। पहला तो भाजी मैं नहीं मंगी, फिर जो दबा इन्होंने मेरे से पाया तेते भी परचा कर देंगे, तेरी घरती दे भी कर देंगे। फिर भाजी मैं इन्होंने चलो माफ़ी भी मंग ली, ठीक है सारा कुछ कर लिया। फिर ये मैंने कहते नहीं सानू दो मिनट की माफ़ी नहीं, सानू दस मिनट की माफ़ी चाहिए आ। ये सरपंच जी ने कहा पिंड जी ने, ठीक है जी, वाइफ मेरे से पेन हो रही थी, इन्हें सरपंच जी ने कहा कहती कि मैं भी तो खड़ी हाँ, मैं भी तो लेडीज़ हाँ। मैं कहा तू तेरे तू प्रैगनेंट थोड़ी हाँ, ठीक है। फिर एस एच ओ साहब साढ़े हक चे, थानेदार सारे साढ़े हक चे उदों, ठीक है। उन्होंने कहा भी धक्का होन दिया, ठीक है भाजी। फिर उत्थे एक ए एस आई मखण सिंह आ, उन्हें मैंने गड्डी चो बाहर कढ के भाजी मेरे चार पांच चपेड़ा मारियां, चार पांच चपेड़ा मार के फिर कहिंदा सॉरी मेरे तो गलती हो गई, मैं पीती सी, ठीक है जी। ये डी एस पी साहब की नॉलेज भी ये गल हैगी, ठीक है जी। मैं एस एस पी साहब से भी पेश होया, उन्होंने डी एस पी साहब तो भेजा, उन्होंने पहले साढ़े जान तो पहले ही भाजी उत्थे राजीनामा लिख के दे आए सी कि साडा राजीनामा, ठीक है भाजी। ये राजीनामा तो भाजी बनता नहीं, ठीक है जी। जिन्होंने ना मेरे से कोई एफ आई आर, ना मेरे से कोई दरखास्त, ना मेरी घरवाली तो एफ आई आर, ना वो कोई दरखास्त, बिना किसी कारण तो भाजी रात के बारह बजे थाने लैके जाना बहुत वड्डी गल आ, इन्हां लई भावें छोटी होवे। अच्छा भाई जी, गल कर रहे हो तुसीं लगातार कह रहे हो कि चोरी का आरोप लगा है, तुहाडे पिंड ही मौजूद हाँ मैं, तुहाडे पिंड के बंदियां कोल पुछ सकदा तुहाडे बारे कि कितें तुसीं पहलां चोरियां तां नहीं करदे रहे? मैं कहना भाजी मेरे पिंड चों, मेरा पिंड छड्डो तुसीं, आ लागे बन्ने दे 20 पिंडां च मेरे नाल ही तुर पो ऑन कैमरा, जे एक भी घर कह जे एक भी घर कह लड़ाई झगड़े की गोली गड्ढे की मेरे को सौ नहीं दे सकता, ठीक है जी। वो साढ़े बूआ भी शांत नहीं होया पे, असं भी लोगों के किए, ठीक है जी। वो अपनी थान पर आ, ये मैटर हो रहा वो मैटर हो रहा, ठीक है। ये जिन्हें जेडे इन्होंने एलीगेशन लाए आ, मैं कहना एक भी इन्हों का सच्चा हो, एक भी दो तीन एलीगेशन लाए आ भी एक कुड़ी भजा के लिया, ठीक है जी। वो भी आ मुंडा साढ़े लागे मौजूद आ, ठीक है, इन्हों भी सद्या कैमरामैन जिन्हें मेरे विह की सारी मूवी शगन वाले दिन की बरात वाले दिन की, ठीक है जी। इतों तक कि डी जे वाले भी मेरे पिंड के ही ने, ठीक है जी। सारा पिंड मेरा जिन्ने भी है, कोई बंदा होगा जो विह तो ना आया होगा, बाकी सारे टोटली आए हैं। हाँ जी भाई, हुण तुसीं की मंग की करते हो तुसीं, क्योंकि राजीनामे का भी तुहाडे नूं कहा जा रहा, तो तुसीं की चाहते जो की मंग है तुहाडी? मंग भाजी ये आ, ठीक है, जे मेरे ते दरखास्त हुंदी, मेरे ते परचे की मंग करते आ, जिन्ने इन्होंने एलीगेशन लाए आ एक भी सच्चा हो जाए मेरे ते परचा करा देना, ठीक है। जिहड़ा ये मेरी घरवाली लैके गए, वाइफ नूं लैके गए, वो तो भाजी परचा इन्हां ते बनता ही बनता, वो तो कार्रवाई इन्हां ते होनी चाहिए आ, क्योंकि तुहानूं भी पता बिना लेडीज़ कॉन्सटेबल तो नहीं ले जा सकते, भावें पिंड की सरपंच होवे भावें जो मर्जी होवे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ? ਭਾਜੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 20-25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 60-70 ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਹਿਤਮਪੁਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੰਗਰ ਹੜਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਸਰ, ਗੈਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਅਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰ 90-95 ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਪੈਲਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਸੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ।
बाकी जिहड़ा विआह दा इहदा कह रहे भी लड़की रहिंदी इदां रहिंदी असीं मैरिज ते गए थे सारे मुंडे गए है असीं कोई गल नहीं है पैलेस च विआह आया फेरे होए आ चाचे साडे दा मुंडा जिन्हें मैरिज दा विआह खिंचा है कैमरामैन हैगा वा वह प्रूफ भी है उन्होंने को इहो जी कोई गल नहीं है जी। सो ये पिंड के नौजवान ने पिंड दे विच ही मौजूद है। सो राजविंदर सिंह राजू के पिंड वासियों नाल भी गलबात करांगे कि आखिर की ये चोर हैगा क्योंकि तो इल्जाम वड्डे लगे ने कि इन्हें मझां चोरी कर लिया तो इन्हें विआह जिहड़ा भज के कराया। हाँ जी भाई जी की नाम तुहाडा? मेरा नाम वीर जी तरसेम सिंह है जी। अच्छा जी मेरा पिंड गंडी में धत्त लिया जी। तरसेम सिंह जी की कहोगे तुहाडे नौजवान तो पिंड के एलीगेशन लग रहे हैं कि इन्हें मझां चोरी कर लिया तो ये होर एलीगेशन लग रहा है कि इन्हें जिहड़ा विआह भज के कराया। सो तुसीं पिंड के वसनीक जो पिंड के वसनीक नूं पता हुंदा है कि किवें दा व्यक्ति है कि पहलां इहदा हैगा सी करैक्टर कि चोरियां चारियां करदा सी? नहीं जी बिल्कुल नहीं बहुत वधिया मुंडा वा तो काफ़ी देर तो अं मिलते गिलते हाँ उधर उधर साडा आन जान भी इन्हों के घर भी आते जाते साढ़े को रात दिन बहिंदा खिलाता सौंदा भी साढ़े नाल इतने घर यह जी कोई गल नहीं है भी घर रिंते हैं। जिहड़ी इहदी मैरिज वाली गल आ वो सारे पिंड नूं ही पता मैरिज सारे परिवार के सहमति दे नाल होई आ ते बाकी जी चोरी वाली गल आ वह तो बिल्कुल आप सौ भी दे सकते हैं सारे पिंड जितों मर्जी पता किया जाए जेडे भी लोग ये चोरी का इल्जाम ला रहे बिल्कुल ही झूठे तो बेबुनियाद आ तो यह जी कोई गलबात नहीं यदि सहु देने ही बिल्कुल तैयार हाँ। अच्छा भाई जी कि तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुहाडे पिंड का मुंडा है तो असं वो हक च बोलेंगे क्योंकि असी सच दिखाउणा जी? नहीं जी अं गुरु महाराज नूं मनण वाले हाँ जिहड़ा इंसाफ आ वह तो इंसाफ ही आ सच सच ही आ कदे भी बाहर आ सकता वा तो यह जी कोई गलबात नहीं जे कल नूं मतलब कि कोई चोरी का इल्जाम लगता वा वह जाहिर हुंदा तो अं गुनाहगार हाँ तो पर अज तक अं कोई भी यहोजा नहीं गा देखा तो ना ही हैगा ये। हाँ जी सो पिंड के लोग ने ना यही कहना कि नौजवान अजिहा नहीं है क्यों इल्जाम लगाए गए यह एक जांच का विषय है तो नौजवान वालों भी मांग की गई है। सो होर भी इतने ताड़ा ना की है जी की ना जो पिंड मुंडा नहीं है चोरी करता होवे वालों पंजाबी लोक चैनल की टीम वालों जिहड़ा कि सारे लगभग पिंड दे विच ही जाया जा रहा तो इस नौजवान बारे लोगों का कहना है कि ये अजिहा नहीं है। हुण देखना होगा कि प्रशासन जां जिहड़ा पुलिस है वो इस मामले दे विच कि कार्रवाई आरंभेगी। तो दूजी धिर दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे कि उस धिर दा की कहना है तो इस संबंधी पुलिस वालियां दे नाल भी राबता करन दी कोशिश करांगे। तो फिलहाल तुसीं साडे नाल जुड़े रहना। 501 कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हरप्रीत जी को उन्हें तुहाडे गंभीर आरोप लाए कि तुसीं उहनूं कार च जबरन बिठा के थाने लैके आए हो? नहीं सर यह जी कोई गलबात नहीं जी असी उन्होंने हसबेंड ने साडे पथन कबीर तो पशु चोरी किए वो साढ़े को नगर च आए आके मैं रात उन्होंने ठा लिया मैं उन्होंने नाल भरा मेरे नाल खड़े आना सरपंच उन्होंने नाल मैं उन्होंने घर गई हाँ कुड़ी के हरप्रीत के उन्होंने जाके मैं बुलाया वा बुला के मैं उन्होंने कुड़ी कहा कि बेटा देखो भी आह गल हुई है मेरे को जी आए आ भी इन्हों के इदा चोरी हुई आडे हसबेंड ने की वह मुंडे ने मैं फोन पर गल कर रही हाँ उन्हें मुंडे ने मैनू न्याय नहीं दिता कहना मैं घंटे तक आ रहा दो घंटे तक आ रहा उसकी जी मिसिज आ मुंडे की वो साढ़े नाल यह मुंडा मेरे नाल भी नाल भी नाल मैं असी थाने इतने कबीरपुर लैके आए कुड़ी नाल असी इतने लिख के दे के गए इन्हों कि असी जी पशु ते सवेरे ते हवाले कर रहे हैं आ गल हुई आ असी उन्होंने कुड़ी मोड़ के लै गए सेफली झूठ मारिया कि मैं गोंदवाल साहब तो आया मेरा परिवार सारा रुट गया वा सिर्फ मैं बचा वा एक झोटा बचा तो एक कट्टी तो एक ढेली मझ मेरी बची है गल ये उत्थे है ही साडा झोटा तो मझ झोटी सी मोटरा तो होजूगी किसी चीज़ तो होगी जेडे पिंड तो भी रुट के आया वा उस पिंड च भी यही काम से तो उत्थे भी चोर से उतो आपकी घरवाली पता नहीं कितों भी आके लैके आया वा ना उसकी घरवाली सानू दस रही है कि हाँ भी मेरे माँ प्यो कि ना मैं उन्होंने दसना ही है कुछ नहीं आपके बारे वो दस रहे हैं।
ਸਰ ਐਸ ਐਸ ਓ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਬੀਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਗਏ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ? अच्छा मतलब जो हार आया तरदियां तुरदियां जिदा चल गई होंगे तेरे को? मझा लैन दी जी। चोरी की रिपोर्ट रिपार्ट नहीं लिखाई पार्टी ने, दूजी ने साडी मर्जी चोरी हुई ऐसा ओदां दा कुछ शिकायत की दिखा दी नहीं लगदिया? अच्छा जी। ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਓਕੇ ਭਾਈ।